नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में मिलेगी बिजली। नववर्ष पर पीएम मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ की राशि भेजी, गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धि। हरियाणा के भिवानी में खनन वाले स्थान पर चट्टान दरकने से 3 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, ओमिक्रॉन के 1500 से अधिक मामले, महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रभावित, 24 घंटे में 13,000 के करीब नए मामले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, राज्य में अब तक 10 से अधिक मंत्री और कम से कम 20 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित, कहा यदि कोविड-19 के नए मामले बढ़ते रहे तो लागू किए जा सकते हैं कड़े प्रतिबंध। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के मामले में अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल, मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी थे साथ। संयुक्त किसान मोर्चा विधानसभा चुनाव में किसी दल का नहीं करेगा समर्थन, बोले किसान नेता राकेश टिकैत, मोर्चा चुनाव में नहीं उतरेगा। पंजाब में किसान संगठनों के मोर्चा ने चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। मध्य प्रदेश में डरा रही है कोरोना की रफ्तार, भोपाल और इंदौर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, इंदौर में एक दिन में 62 तो भोपाल में 27 लोग मिले कोरोना संक्रमित, एक दिन में 124 मामले। भारत में कोरोना वायरस के 24 घंटों में कोरोना के 22,775 नए मरीज मिले हैं, जबकि 220 लोग मारे जा चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के 161 नए मामले सामने आए हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक समारोह पर रोक, मुंबई में लगातार दूसरे वर्ष फीका रहा नए साल की पूर्व संध्या का जश्न, सुनसान नजर आए गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, दादर, गिरगांव और जुहू में समुद्र तट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को नए साल में अपने विकास की गति में तेजी लाने की जरूरत, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को विकास प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका, MLC शत्रुद्र प्रकाश भाजपा में शामिल, यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई शत्रुद्र को पार्टी की सदस्यता। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के मोहम्मद याकूब मालिक के यहाँ मिला नोटों का जखीरा, 4 घंटे तक मशीनों से हुई नोटों की गिनती, छापेमारी में कुछ सोना बरामद होने की भी खबर। नववर्ष के मौके पर LOC पर भारत और पाक सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान, भारतीय सेना ने पूंछ और मेंढर पारगमन बिंदु पर पाकिस्तानी सेनाओं के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का किया आदान प्रदान। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल के DCP दत्ता नलवाड़े ने कहा, सेल की बांद्रा यूनिट ने 31 दिसंबर की रात को कार्रवाई करते हुए लगभग 3,18,00,000 रुपए की ड्रग्स की बरामद, इस सिलसिले में 3 अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में भारत की अफगानिस्तान को मदद, कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की 5,00,000 खुराक वाली मानवीय सहायता भेजी। ICC की ओर से भारत पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में धीमे ओवर रेट के लिए 20% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भारतीय टीम का एक अंक भी कटा। कोरोना के बढ़ते मामलों का फिल्म व्यवसाय पर असर, दिल्ली में सिनेमा घर बंद तो कहीं नाइट कर्फ्यू, जहां फिल्में दिखाई जा रही है वहां अभी बहुत कम पहुंच रहे हैं दर्शक। कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, ट्वीट किया कि यदि मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना मेरा फोन नंबर अभी भी वही। यह थे फटाफट बुलेटिन, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।